हेलो नमस्कार जयंत प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार कॉप प्रवेश में। आज की वीडियो में हम एक नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, वो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हुई है, बिहार BSPHCL टेक्निकल ग्रेड थर्ड एंड अदर वेरियस पोस्ट। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है, कृपया कर वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि फॉर्म जो है कब से भरना चालू होंगे। तो फॉर्म जो है आपके 20/6/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, वहीं लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 19/7/2024 लास्ट डेट रहने वाली। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 1 मंथ का समय मिलने वाला है, और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को फिल कर दें, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। वहीं आप फीस जो है वो भी 19/7/2024 तक जमा कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है वो 7 अक्टूबर 2024 जो है एग्जाम डेट रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम एप्लीकेशन फी, यानी कि फॉर्म को भरने के लिए फीस कितने लगने वाली है। तो भाई जनरल, BC और EBC इनके लिए जो है 1500 रुपये की फीस लगने वाली है। ठीक है, SC और ST कैंडिडेट के लिए जो है 375 रुपये की फीस लगने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं, तो आयु सीमा जो है वो 31/3/2024 से काउंट की जाएगी। वही मिनिमम एज जो है आपकी 18 ईयर फॉर द टेक्निकल ग्रेड थर्ड एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी इसके इस पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष मांगी गई है। वही जो है 21 ईयर्स फॉर द अदर पोस्ट। बाकी इन दोनों पोस्टों को छोड़कर जो पोस्टें हैं उनके लिए जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष मांगी गई है। अधिकतम आयु जो है वो आपकी 37 वर्ष है। वहीं SC कैंडिडेट अगर आप हैं, SC ST कैंडिडेट है, तो आप जो है अधिकतम आयु 42 वर्ष मान के चल सकते हैं। वहीं OBC कैंडिडेट है, तो आप जो है 40 वर्ष मान के चल सकते हैं। आपकी आयु सीमा यानी कि 40 और अगर 42 वर्ष भी आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब बात करने वाले हम वैकेंसी के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास में 2610 है। अब बात करेंगे कि पोस्ट वाइज किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। तो टेक्निकल ग्रेड थर्ड इसकी जो है टोटल वैकेंसी हमारे पास में 2000 है। सबसे ज्यादा वैकेंसी टेक्निकल ग्रेड थर्ड के अंदर ही है। इसके लिए क्या मांगा है क्वालिफिकेशन, क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास विथ 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो आपके पास आप जो है 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास में 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल ट्रेड से होना चाहिए। वही जूनियर अकाउंट्स क्लर्क इसकी जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 300 है। इसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCOM जो है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया इसके साथ में आपको होना चाहिए। वहीं करस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, करस्पॉन्डेंट क्लर्क की जो है वो 150 भर्ती है और स्टोर असिस्टेंट की जो है यहाँ पे 80 भर्ती है। दोनों के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी आपने कोई भी डिग्री की हो लेकिन जो है बैचलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JEE GTO। इसकी टोटल नंबर वैकेंसी 40 है। इसके लिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इंडिया। वही बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसके लिए जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। इसके लिए आपको BE BTEC डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ठीक है, साथ ही जनरल के कैंडिडेट में आप तो आपके पास में 60% मार्क्स के साथ में आपने BE BTEC पास किया हो। वहीं OBC और EWS इनके लिए 55% है, और SC और ST इनके लिए अगर 50% मार्क्स के साथ में आपने BE BTEC किया है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है हमारे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर। इसमें जनरल की 500 पोस्ट है, EWS की 200 है, SC की 400 है, ST की 40 है, EVC की जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो है वो 500 है, वहीं BC की 360 है। तो टोटल वैकेंसी 2000 हो चुकी है। अब बात करते हैं जूनियर अकाउंट क्लर्क की। जनरल में 70 वैकेंसी है, EWS में 30 है, SC में 62 है, ST में 7 है, EVC में 80 है और BC में 55 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 300 हो चुकी है। अब बात करते हैं करस्पॉन्डेंट क्लर्क, इसके लिए जनरल में आपकी 38 वैकेंसी है, EWS में 15 है, SC में 30 है, ST में 3 है,
ईबीसी में 37 है, बीसी में 27 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास में 150 हो चुकी है। अब बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट की। तो स्टोर असिस्टेंट्स में जो है वो जनरल की वैकेंसी है 20 है हमारे पास में, वही जो है ईडब्ल्यूएस की जो है वो 8 वैकेंसी है, एससी की 16 है, एसटी की 2 है, ईबीसी की 20 है और बीसी की जो है 14। टोटल वैकेंसी हमारे पास में कितनी हुई है, 80 वैकेंसियां हो गई। अब बात करते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसके बारे में। तो यहाँ पे जनरल की कोई भी पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, एससी की 12 है, एसटी की 2 है, ईबीसी की 12 है और बीसी की 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 हमारे पास में हो गई। अब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो इसकी जनरल की टोटल 25 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, एससी की कोई पोस्ट नहीं है, एसटी की 2 है, ईबीसी की 2 है, बीसी की 7 है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। ठीक है, अब हमने वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी देख ली, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस यहाँ पर दिया है जनरल नॉलेज 10th लेवल, यहाँ दिया है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और टेक्निकल पेपर एस पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है जनरल नॉलेज। ये यहाँ पर करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहीं रीजनिंग में आपका रहने वाला एनर्जी, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिक कल नंबर सीरीज और अर्थमेटिकल रीजनिंग। यहाँ पे जनरल हिंदी भी रहने वाली है और जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रेहेंशन भी जो है आपका रहने वाला, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, एरर डिडक्शन, इडियम फ्रेजेस, पैसेज जो है कॉम्प्रेहेंसिव, ये सब भी। नहीं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। वहीं बेसिक कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, जैसे यहाँ पे दिया एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैन मैन, मॉडेम, यहाँ पे वायरस, मालवेयर, इंटरनेट, ये सारे हैं। यहाँ पे जो है आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के वाले जो है सब्जेक्टों के प्रश्न रहने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से देखी है। अगर आपको और भी अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो हम ऑफिशियल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ से आप अधिक और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।